तो भाई आज हम जाने वाले हैं स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, बनारस। क्या आप कभी बनारस गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो जाइएगा। और बनारस को ना टीवी, इंटरनेट और ख़बरों के चश्मे से मत देखिएगा, बनारस को वहाँ जाकर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बनारस इश्क है। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। घर से करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे अपने महादेव की नगरी काशी। सो भाई हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं। तो भैया अभी हमने घाट के लिए टैक्सी कर ली है और हम इससे जाएंगे घाट पर और वहां पर जाकर के आपको दिखाते हैं घाट के नज़ारे। काशी, बनारस और वाराणसी, ये तीनों नाम एक ही शहर के हैं। गंगा किनारे बसा ये शहर सुबह अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती प्रकट करता है, इसीलिए इसको सुबह ये बनारस कहा जाता है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। भाई मॉर्निंग में हम लोग पहुँच चुके हैं। क्या सीन है, क्या नज़ारे आ रहे हैं, अमेजिंग यार, अमेजिंग व्यू, कितना प्यारा है यार। लोग बनारस को गलियों का शहर भी बोलते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं इन गलियों में। भाई सच्ची में यहाँ की गलियाँ ना बहुत ही अच्छी हैं, मतलब पतली पतली गलियाँ तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी ना उन गलियों में बड़ा खूबसूरत हैं और देखने में भी अच्छा लगा है। एक्चुअली में देखिए बनारस को गलियों का शहर किस लिए कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरी लिटरली हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना इतनी पतली पतली गलियाँ हैं कि यहाँ बाइक भी नहीं निकल सकती है। तो ऐसी गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं 80 घाट। भैया 80 घाट किधर किधर से जाएंगे? किधर से नहीं आएगा, तुमको नहीं पता है? तमिल बोलो। ये भैया तमिल वाले थे तो इनको नहीं पता, तो हम किसी और से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। भैया 80 घाट जाना है, किधर जाएंगे? सो भैया 80 घाट कुछ ज़्यादा ही दूर मालूम पड़ रहा है हमको। सो अभी हम लोगों को थोड़ा भूख लग रही है तो कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद हमें फाइनली दुकान मिल गई, तो हम यहाँ पे कुछ खाएंगे। भैया अभी हम अपना नाश्ता कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा था। खाना खाने के बाद 80 घाट से पहले हम पहुँचे राजा हरिश्चंद्र घाट। तो अभी हमें राजा हरिश्चंद्र घाट पर, यहाँ पर बोला जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र हर जगह बिक रहे थे तो उनको किसी ने नहीं खरीदा था, तो वो यहाँ आकर बिके थे इस घाट पर, और यहाँ पर वो चिताएँ होती थी उनको जलाने का कार्य किया करते थे, तो इस वजह से इस घाट का नाम जो है राजा हरिश्चंद्र घाट है। हाँ, हरिश्चंद्र घाट से याद आया, बनारस में एक ऐसा घाट भी है जहाँ कभी आग बुझती ही नहीं है, मणिकर्णिका घाट। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना गया है। माना जाता है मणिकर्णिका घाट को स्वयं शिव भगवान ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती। हजारों सदियों साल से यहाँ पर अभी तक ये जो जल रही है आपके सामने आग, आज तक बुझी नहीं है, यही सच्चाई है। मणिकर्णिका घाट के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे। दिखाते हैं आपको जिनके लिए हम इतनी दूर आए हैं और जिनके लिए इतनी मेहनत की, जिनके लिए इतना चल रहे हैं। तो भैया अभी हम गए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, मतलब अपने महादेव के दर्शन करने, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था तो आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे अंदर का सीन। ये छोटा सा बच्चा हम लोगों का माइक तोड़े डाल रहा है। क्या चाहिए? बम्बू चाहिए। भाई आज बनारस शहर कुछ अलग ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि आज मकर संक्रांति और हर जगह पतंग उड़ रही है। भाई मेरा ना शुरू से ही मन था कि कभी बनारस जाऊंगा तो बोट पर बैठकर पीछे मस्त कबूतर उड़ने वाला सीन है ना, उसको जरूर लूंगा जाके। तो भैया फिर क्या, हम भी पहुंच गए बोट पर? कोई दिक्कत नहीं ना, अभी हम लोग जा रहे हैं नाव में अच्छे से शॉट्स लेने, तो चलो भाई अमेजिंग।
भाई अगर आपको बनारस आकर ना असली मजे लेने हैं तो आपको नाव जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको असली ब्यूटीफुल सिटी दिखती है बनारस की। आपको एक जादू दिखाया, देखना मेरे पास है ये, और इससे क्या आएगा दिखाते हैं। भाई ये असली चीज़, ऐसे आते बच्ची। बनारस में ना बोटिंग का तो अलग ही फील है, मतलब अलग ही मजा आता है। यहाँ पे आओ ना तो बोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से सारा शहर आपको दिखता है प्यारा सा। तो भैया जी अब बोटिंग पूरी कवर हो चुकी है हमारी। हमने पानी पानी में खेला है, जितना एंजॉय करना था हमने कर लिया है सारा कुछ। सो फाइनली हम लोग बोटिंग कर चुके हैं, और आपने शॉर्ट्स देखे हुए कितने प्यारे हैं, मतलब अमेजिंग यार। भैया बोटिंग करने के बाद हम पहुंचे अस्सी घाट। वैसे आपको बता दें बनारस में ना बोला जाता है कि 84 घाट है, मतलब यहाँ पर ये घाटों का शहर है। यहाँ पर गंगा जी के किनारे घाट ही घाट है, तो उन्हीं 84 घाट्स में से एक घाट है 80 घाट, तो वो काफ़ी फेमस है। मतलब हमने वीडियोस में पहले देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, अभी देखते हैं वहाँ पर ऐसा क्या है जो वो फेमस है। तो भैया हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं 80 घाट, और आप यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। भाई यहाँ की खास बात बताए ना, अगर आप कैमरा लियो ना तो कोई भी चीज़ का रेट ना दोगुना हो जाता है तुरंत, ये यहाँ की खास बात है। तो यार हमको मिले यहाँ एक लोकल के भैया, उन्होंने बोला यार आप घाट के उस तरफ जाओ, आपको प्रॉपर गोवा वाली फीलिंग आएगी। तो हमने कहा क्यों नहीं जी, जाकर देखते हैं। बोट से जाएंगे उस तरफ, उधर उधर उधर, यहाँ से 20 रुपए लेते हैं उस पार जाने का, 20 रुपए आने का। सिर्फ 20-20 रुपए देंगे, इससे ज्यादा देंगे भी नहीं। तो भैया अभी हम लोग नाव पे बैठ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरफ से उस तरफ, और उस तरफ जाकर के आपको दिखाते हैं क्या कैसा है वहाँ पे। पहली बार जा रहे हैं उस तरफ अभी तो हम। उस तरफ तो मेन शहर है, उसका नाम है टेंट सिटी। बेसिकली ये भैया इसलिए हंस रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने टेंट सिटी लगाई वो बहुत महंगी है हाई क्लास के लिए, उसी हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जा रही है। कौन हाई क्लास का इंडिया में, सब तो मिडिल क्लास का है, जिससे भी कहें वहाँ पे मिडिल क्लास है। इसलिए इंडिया के बाहर वालों के लिए फिर। भैया हमको यहाँ पे शू उतारने पड़ेंगे। भाई ये सब क्या करना पड़ रहा है। वैसे मैं आपको बता दें, अगर बनारस में थोड़ा बीच बीच के मज़े लेने ना तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा, आपको गोवा वोवा के मज़े यहीं पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं गोवा जाने की। बाकी आप देख सकते हो, आपको अगर 20 रुपये दे के आना है तो आपको जूते हाथ में पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि नाव थोड़ा दूर रहती है यहाँ पे, और ऐसे लोग आते हैं। पर वैसे आपको बता दें कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। या यहाँ पे लोग ना हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई दूसरे गोला से आया हो, पता नहीं क्यों। कितने रुपए राइड? 200 रुपए, बहुत महंगा। ये तो ऊँट के आधा भी नहीं है, तो हमसे दो हमने पैसे बता रहा। ये राउंड आपको यहाँ पे आने में मांझा का बहुत खास कर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि भैया जैसा कि मैंने आपको बताया, आज है मकर संक्रांति, तो आज के दिन मांझा और जीवन भर गांजा, इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा मुंह ना लगाए तो ज़्यादा सही है, जीवन में बहुत तरक्की करोगे। गिम्बल की पगडंडियों से ये देखो शॉर्ट लेते हुए। हम लोग सोच रहे हैं कुछ फन मस्ती किया जो आप लोगों को देखने में मज़ा आए, तो वही सोच ट्राई कर रहे हैं। हमने बनारस में घूमने के साथ साथ यहाँ के लोकल्स की इसकी हिस्ट्री भी पता की। यार हम एक लोगों भैया से मिले तो उन्होंने बहुत कुछ बताया मैं इस शहर के बारे में, कि जो अपनी रामायण थी, जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, वही 80 घाट पे एक घर है सामने दिख रहा है, कि यहीं पे बैठ के उन्होंने पूरी रामायण जो हाथ से लिखी गई थी ना वो यहीं काशी में लिखी गई थी। तो यार मतलब इस शहर पे ना अलग अलग बहुत सारी खूबियाँ हैं यार, मतलब बनारस वर्ल्ड वाइड फेमस है अपनी गंगा आरती के लिए। तो अभी टाइम हुआ है गंगा आरती का, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं गंगा आरती। तो अभी हम लोगों ने इधर बहुत घूम लिया है, हम लोग चलते हैं उधर ही वापस, क्योंकि गंगा आरती का टाइम है, तो हम लोग आरती अटेंड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ की वर्ल्ड वाइड फेमस आरती। भैया बनारस में एक और चीज़ फेमस है, बनारस का पान। बनारस के बारे में कुछ बताया। अच्छा पान खाते टाइम यहाँ के इंसान से बनारस के बारे में पूछो तो भी ना बताए। अरे हमने सोचा ऐसा क्या है इस पान में, चलिए हम भी खा के देखते हैं। भैया बनारस आए हो और पान नहीं खाया, मतलब क्या ही खाया यार।
पान, यहाँ की रबड़ी, यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर। हम ना इस नगरी के दीवाने हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भाई आप लोगों को जितना इजी लगता होगा ना व्लॉगिंग करना, उतना इजी है नहीं सच्ची में। मतलब इतना हैवी बैग टांग करके घूमो ना तो बहुत पेन होता है। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी तो व्लॉग की स्टार्टिंग है। हाँ तो हम इतने ही बोलते हैं, बाकी सब बैठ के घर पे बोलते हैं। एक तो बस एक हाँ हाँ जी, बोला जाता है कैठो, कितने नहीं कैठो, तो हम लोग एक ठो खाने वाले हैं।